हेलो एवरीवन, आज की मेरी रेसिपी है हलवा जैसी खस्ता प्याज की कचौड़ी। तो आज इसी की रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये कचौड़ी बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी आने वाली हर एक रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बिना देर किए चलिए झटपट से प्याज की कचौड़ी बनाते हैं और गर्मा गर्म कचौड़ी को इंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले डो तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल। तो बाउल में ले लेंगे 2 कप के करीब ले लेंगे मैदा। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है और अब इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक लेंगे स्वाद के अनुसार और कचौड़ी को खस्ता बनाने के लिए डालेंगे मोयन। तो मोयन के लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पर 1/4 रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है तो रिफाइंड ऑयल लेंगे 1/4। तो अब तेल को और आटे को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे हाथों से अच्छे से मिला लिया है। तो देखिए कितने अच्छे से तेल आटे में मिल चुका है। तो अब आटे को चेक कर लेते हैं कि मोयन परफेक्ट डला है या नहीं। तो इस तरह से हाथों में लेंगे और एक लड्डू जैसा बनाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन गया है। तो मोयन बिल्कुल परफेक्ट बना है, कचौड़ी बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होगी। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक डो बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, पानी एक साथ नहीं डालें, नहीं तो आटा नरम हो जाएगा जिससे कचौड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो बना के तैयार कर लिया है। तो अब आटे को ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए जब तक आटा सेट होता है तो बाकी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है पैन गरम होने के लिए। तो पैन में डाल देंगे 1 चम्मच के करीब सौंफ। 1 चम्मच ही लेंगे इसमें खड़ा धनिया और 1 चम्मच लेंगे इसमें जीरा। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं जिससे कि अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो मसाले को जब इस तरह से रोस्ट करके कचौड़ियाँ बनाते हैं तो कचौड़ियाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको एक दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये ठंडा हो गया है तो मैंने इसे डाल लिया। तो अब इसे दरदरा पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है। तो ये लीजिए ये पीस के तैयार हो गया है। तो इतना ही पीसेंगे, इसका ज़्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे। तो अब चलिए फिर से पैन रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है, पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब पैन में डाल देंगे 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल। तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो मसाले में मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा अदरक जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, 2 से लिए 3 हरी मिर्च जिसको बारीक बारीक कट कर लिया है, 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के आलू जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। जैसे कि ये प्याज की कचौड़ी तो प्याज लेंगे यहाँ पर 4। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए जिसको मैंने देखिए इस तरह से कट कर लिया है। तो जितने आलू लेंगे उसके डबल ही प्याज लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 प्याज को अच्छे से कट कर लिया है। तो अब तेल गर्म हो गया है तो अब तेल में डाल देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। साथ में डाल देंगे हरी मिर्च और अब इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही 1 मिनट के लिए चलाते हुए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज और प्याज को भी अदरक और हरी मिर्च के साथ फ्राई कर लेते हैं। तो कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे जिससे कि प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए, प्याज का कच्चापन चला जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे चलाते हुए प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें डाल देंगे भुना हुआ मसाला। तो सारे मसाले को डाल देंगे और अच्छे से प्याज के साथ मिला लेंगे। तो देखिए प्याज के साथ मैंने अच्छे से मसाले को मिला लिया है। मसाला डालते ही इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और आधे चम्मच के करीब डाल देंगे हल्दी पाउडर
और एक चम्मच के करीब डाल देंगे धनिया पाउडर, और डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से सारे मसालों को प्याज के साथ मिला लेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे जिससे कि मसाला जले नहीं। तो लो फ्लेम पर मसाले को अच्छे से प्याज के साथ मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज के साथ मैंने मसालों को अच्छे से मिला लिया है। तो अब इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू, तो जिसको हाथों से मैश करते हुए डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों आलूओं को अच्छे से डाल दिया है, और अब अच्छे से प्याज के साथ आलूओं को मिला लेंगे जिससे कि अच्छे से एक फिलिंग बन के तैयार हो। तो इसी तरह से मैश करते हुए प्याज के साथ मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से आलू, तो ये देखिए आलूओं को मैंने अच्छे से प्याज के साथ मिला लिया है। तो देखिए कितने अच्छे से फिलिंग बन के तैयार हुई है। तो अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच डाल देंगे इसमें गरम मसाला। इन मसालों को भी अच्छे से आलू के साथ मिला लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अमचूर को और गरम मसाले को अच्छे से आलूओं के साथ मिला लिया है। तो अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, धनिया को भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये लीजिए फिलिंग बनके तैयार है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है, और ये ठंडा भी हो गया है। तो अब चलिए कचौड़ी बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फिलिंग की इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। तो नींबू के आकार के बॉल ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से नींबू के आकार के बॉल बना लेते हैं। तो इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे बॉल बना लूँगी। तो आप बॉल्स की साइज छोटे बड़े कर सकते हैं। आपको अगर बड़ी कचौड़ी चाहिए तो बड़े बड़े बॉल्स बना लीजिए, या फिर आप छोटे बॉल्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ की कचौड़ी बनाऊँगी, तो मैंने उस हिसाब से बॉल बनाया। तो ये देखिए 7 से 8 बॉल बना लिए हैं। तो अब चलिए आटा देख लेते हैं। तो देखिए आटा भी कितने अच्छे से सेट हो गया है। तो आटे को 1 मिनट के लिए और गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए आटे को और गूंद लिया है। तो अब आटे को एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और अब इनकी कचौड़ियाँ बनाते हैं। तो आटे में से एक लोई तोड़ेंगे। तो जितने बड़े फिलिंग की बॉल बनाएंगे उससे डबल लोई लेंगे। हाथों को इस तरह से गोल करते हुए और दबाते हुए एक कटोरी जैसा बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं हाथों से ही फैलाते हुए कटोरी जैसा बना ले रही हूँ। आप चाहो तो इसे बेलन से बेल भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे फैला लिया है। तो अब फिलिंग की एक बॉल लेंगे और बीचों बीच सेंटर में रखेंगे, और दबाते हुए किनारे को उठाएंगे। उठाते हुए इसके मुँह को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे किनारों को उठाते हुए मैंने इसका मुँह बंद कर दिया है। फिलिंग को इसी तरह से हाथों से दबाते रहेंगे जिससे कि फिलिंग बाहर ना निकले। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक कचौड़ी बना के तैयार कर ली है। आप चाहो तो एक्स्ट्रा आटे को आप अलग भी कर सकते हैं, या फिर इसे चिपका भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसे चिपका दिया है, और हथेली के बीच में लेके थोड़ा दबा देंगे जिससे कि थोड़ी फैल जाए। तो ये लीजिए एक कचौड़ी बन के तैयार है। इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। तो इसी तरह चलिए एक और कचौड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर एक और लोई तोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और लोई ले ली है, उसको भी हाथों में इसी तरह से फैला लेंगे और एक कटोरी जैसा बना लेंगे। कचौड़ी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत झटपटी बन जाती है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिल्कुल बाजार जैसा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक और लोई को फैला लिया है। इसी तरह से बीच में एक और बॉल्स को रख देंगे, और हाथों से इस तरह से दबाते हुए किनारों को उठाते हुए इसका मुँह को बंद कर देंगे। तो ये देखिए एक और कचौड़ी बना के तैयार कर ली है मैंने। आप चाहो तो इसे बेल के भी कचौड़ी बना सकते हैं, पर इस तरह से जब कचौड़ी बनाते हैं कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होती है। तो ये देखिए यहाँ पर एक और कचौड़ी बन गई है, इसको भी हाथों में इस तरह से दबा देंगे। तो इसी तरह से मैं सारी कचौड़ियाँ बना लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 7 से 8 कचौड़ियाँ बना ली है। तो अब चलिए ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ तेल रख देंगे गर्म होने के लिए। तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे, हाई फ्लेम पर गर्म नहीं करेंगे जिससे कचौड़ियाँ अच्छे से बनेगी नहीं। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें एक एक करके कचौड़ियाँ डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक एक करके 3 से 4 कचौड़ियाँ डाल दी है, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कचौड़ियों को फ्राई करेंगे। जब कचौड़ियाँ ऊपर आ जाएंगी तभी इन्हें पलटेंगे। तो ये देखिए कब कचौड़ियाँ कैसे फूल के ऊपर आ चुकी हैं। तो अब इन्हें पलट देते हैं, और
मीडियम फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें पलटते हुए गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे, जिससे कि कचौड़ी में बहुत अच्छा कलर आ जाए और बहुत ही अच्छे से खस्ता बन के तैयार है। तो यहाँ पर मैंने देखी चारों कचौड़ियों को पलट दिया है और अब इन्हें पलटते हुए दोनों तरफ से गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। कितना अच्छा देखिए इसमें कलर आया है, कितने अच्छे से देखिए खस्ता खस्ता कचौड़ी बन के तैयार हुई है। तो इन्हें एक झरिया में निकाल लेते हैं जिससे कि इसमें एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। तो इसी तरह से बाकी सारी कचौड़ियों को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी कचौड़ियों को निकाल लिया है, तो अब इन्हें एक तरफ रख देते हैं और अब इसी तरह से बाकी कचौड़ियों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से कचौड़ियाँ डाल दी हैं और अब इन्हें भी 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, जब तक ये गोल्डन कलर की ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी कचौड़ियों को फ्राई कर लिया है। तो अब चलिए इन्हें गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो साथ में मैंने फ्राई की है हरी मिर्च जो कचौड़ियों का स्वाद और बढ़ा देगी। तो ये देख लीजिए खस्ता खस्ता प्याज की कचौड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। इसे आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं या आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे ही खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।